एक हाथ में मक्खन रखो, एक हाथ में चूना, जिसकी जहाँ पर जरूरत लगे लगाते जाओ, कभी धोखा नहीं खाओ। बजाने क्या लगाया हूँ? ये चूना। ये मटन गर्म हो रहा है इसमें। गुड मॉर्निंग ट्यूसडे, अम्बानी लेटा हुआ है मामून ऑफिस के, जल्दी तैयार हो गया अम्बानी के लिए मेरे खाना। मामा मैडम उनको ऑफिस छोड़ने की वजह मामून को यहाँ खाना बना दीजिए। दद्दा को पहले खाना खिला देते हैं, और वो देख रहा है वहाँ गैंग्स ऑफ वासेपुर नेटफ्लिक्स पे, और मेरा प्रोग्रेस दिखाऊँ। ये बन रही है मामून बनानी रोटी, ये रहा भुजिया, मिक्स आलू की सब्जी और टेस्टी सी खीर, ये रहेगा ब्रेकफास्ट। ये ब्रेकफास्ट देख के भूख लग गई मुझे, बट पहले मामून को ऑफिस छोड़ूंगा। नहीं आप खा लेना पहले। नहीं मामून, फिर आके खा लेंगे ना हम। गाइस प्लान है चांदनी चौक जाने का, अंबानी इज रेडी, और अभी दिखाता हूँ कर देखो। मिनी सरोजनी का ढेर लगा के इस बैग को खाली करके फिर से चल दिया सरोजनी से सामान, सॉरी चांदनी चौक से सामान भरने लड़का। ये रही लाइट, इसपे बहुत फकर है इसको। एंजॉय कर रहा है, एंजॉय यहाँ एंजॉय। चल भाई मिलते हैं, निकल गए खाली झोला लेके चांदनी चौक, आ जाते हैं मेट्रो से। चलो मिनी मेट्रो में बैठ रहे हैं हम लोग, चलो। तो आगे सेक्टर 16 मेट्रो, खुला है, दो चांदनी चौक के ले रहे हैं टोकन। अभी हमने ले लिया है चांदनी चौक का टिकट, अब हम जा रहे हैं चांदनी चौक। चांदनी चौक ओनली 40 रुपीज ईच, 40 रुपए की टोकन पे, और जहाँ चढ़ा है ये है राजी चौक की भगदड़, और हम जद्दोजहद से मेट्रो से बाहर निकल गए हैं। हमारी भाई साहब देख रहे हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, इतना फैन हो गया कि मेट्रो में भी नहीं छोड़ा है, और नेटवर्क भी इसका ब्लर नहीं किया वहाँ पे। अब हम पकड़ते हैं समयपुर बादली वाली आई बिलीव, या हुडा सिटी सेंटर आ गई। तो जाओ अभी बोलता खाली है, और देखो अभी खाली कहाँ है। तो हम आ गए चांदनी चौक, उतर गए मेट्रो से, अब पैदल जाते हैं चांदनी चौक मार्केट, और वहाँ से खरीदारी शुरू करेंगे। हैं क्या कह रहे हैं? अगना भी होगा वहाँ? नहीं नहीं ये सब नहीं होगा, पैदल चल लेते हैं, एलिवेटर से जाने का मन नहीं कर रहा है। भाई को बोल रहा हूँ मैं हैंड स्टैंड कर, चलो एक अनजान सी गली में घुस जाते हैं, यहीं से मिलेंगे अपना चांदनी चौक के मेन सामान। आज अंबानी के साथ चांदनी चौक, कितनों के साथ चांदनी चौक आ गया हूँ, आज अंबानी को सामान दिलाते हैं। क्या? एक हाथ में मक्खन रखो, एक हाथ में चूना, जिसकी जहाँ पर जरूरत लगे लगाते जाओ, कभी धोखा नहीं खाओ। बजाने क्या लगाया हूँ? ये चूना। फाइनली हम घुस गए उन गलियों में जहाँ आपको सामान मिलना शुरू हो जाता है चांदनी चौक में। हम निकले गांधीनगर, गांधीनगर से बल्क में अंबानी अकेडमी के बच्चों की टी शर्ट उगा रहे हैं। तो अंबानी भाई साहब घूम रहे हैं यहाँ गांधीनगर की मार्केट, और गांधीनगर में भी होलसेल का सारा सामान मिलता है, एक्सेप्ट व्हाट वी नीडेड। वो हाफ टी शर्ट चाहिए हमको बल्क में, वही नहीं मिल रही है, रेस्ट यहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत पूछने के बाद आगे फाइनली किसी गारमेंट से लेते हैं अपना सामान, यही है प्लेन वाला सामान। चलो एंट्री कर लेते हैं किसी गारमेंट। अब फिर हम आए हैं 15 मिनट चलने के बाद केसी की दूसरी स्टोर पे, दूसरी ब्रांच पे। तो केसी में ये रहे सारे डेमोज, बहुत रीजनेबल प्राइस में बल्क बोल रहे आ रहे हैं, ऐसा होता है ना अपने अकेडमी में, ज़्यादा सारे ठाकुर हो गए तो हुक्का कौन भरेगा। अब फिलहाल सर ले रहे हैं अपने बच्चों के लिए, एकेडमी के बच्चों के लिए बल्क में टी शर्ट्स, ठीक है 34 में 12 पीस, लो आप देख लो पर्ची देखो तो गाइस फाइनली मेरी छुट्टी हो गई बर्बाद, और इस झोले के लिए, इस झोले में फिर से कपड़े, ये झोला कल लेने के बाद गलती कर दी मैंने, लग रहा है नहीं चाय नहीं पीऊँगा,
कुणाल सर पी रहे हैं चाय। इस झोले के चक्कर में इतना घूमे हैं, फाइनली हमने पीसेस बना लिए 54 पीसेस ऑलमोस्ट अकेडमी के बच्चों के लिए। एंड चार बज गए हैं, मेरा छुट्टी ऐसी चलेगी, ऑफ नो यूज़ फॉर मी, बट यस हमने बहुत मेहनत की है। एंड यू नो वी गॉट टू नो कि गांधीनगर में भी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब जैसे सरोजनी में मिलती है ना लड़कियों का ज़्यादा सामान मिलता है 90%, और लड़कों का केवल 10% भी नहीं है। यहाँ पे आपको किड्स, मेल, बॉयज सब मिल जाता है, यहाँ पे अच्छा मिल जाता है, बच्चे से लेके आपको एडल्ट तक सारा सामान मिल जाता है। तो हमने बना लिया सामान, बट ये कि ढूंढना पड़ता है वही चीज़, हाँ पता चली कहाँ मिलता है, नेक्स्ट टाइम से ये रहेगा कि यस वी नो वेयर टू हेड। दैट्स इट, अभी चाय पी रहा है फिर निकलते हैं घर का। भाई देखते हुए घूम घूम के देख मेरी शक्ल कैसी हो गई, साइड नहीं फोटो ले रहा मैं, तो फोटो मत। आगे कटोरा लेके हम मांगने सूजी वाले गोलगप्पे, भूख लगी तो ये ट्राई कर लेते हैं। मेट्रो, मेन मेट्रो में बैठने से पहले हम बैठ गए मिनी मेट्रो में। अभी से 20 मीटर दूर इसका किराया था 100 रुपये, हम 20 मीटर चल के आए और फायदा हुआ, कितना ट्रैफिक है कि जो वॉक कर रहे हैं उनके लिए अभी बेनिफिट है। हम निकल गए, स्पेस मिला और भाग के आगे। अभी हमें 10 रुपीज ईच बढ़ाए, यानी 20 रुपीज में हम पहुँच जाएंगे मेट्रो स्टेशन, 80 रुपीज की बचत कर ली हमने। यहाँ फॉर दोज हु ऑल लव दिल्ली, दिस इज द रियलिटी, दिस इज द लाइफ, आई ऑनली सी ब्यूटीफुल हियर दिल्ली काल दे भाई, सब मस्त घूमने कोई कहीं को भी कहीं को भी कहीं। केदारनाथ खाली गोबर का टुकड़ा सर पे लगा चला आगे, केदारनाथ भाई, केदारनाथ मूवी में उस हीरो ने किया था, भी देख ले उसके हाथ क्या होता है, तो मत के ना बता रहा हूं केदारनाथ। ओ भाई गुड्डू बम्बा जल्दी आ, हमारी मैच का हाल देखते हुए इंडिया के 2 विकेट, फाइनली सीट मिल गई हमारे पछवाड़ों को, पूरा दिन बैठे नहीं है, अभी मिली राम प्यारी को, राम प्यारी को हल्का हुआ अभी। क्या रौला करके रखा हुआ है हमने, देखो कीड़े मकोड़े, राजीव चौकी कीड़े मकोड़े कभी ख़त्म नहीं होते भाई। अम्बानी एक मेट्रो खरीदने के चक्कर में और ऊपर भी बलवंत के खेतों में चलाएगा पीछे। फाइनली 12:22 का ऑटो पकड़ लिया हमने, पूरा दिन इस बैग के चक्कर में और दो चार झोलों के चक्कर में हो गया, अभी अम्बानी कैसे जाता है कुछ नहीं पता मुझे। अम्बानी कह रहा बैठने का पेमेंट, देखो कितनी बड़ी जलेबी है। तो कुणाल सर भी मिक्स वेजेस का जूस बनवा के पी रहे हैं ताकि उनकी दिन भर की जो लॉस्ट एनर्जी है वो रेजुवेनेट हो जाए। ये लो, तो गाइस आ गए हम रूम पे, लाल होंठ लाल दांत, मिक्स वेज का जूस पीने के बाद अम्बानी भाई देखो क्या हालत कर दी अम्बानी भाई ने, दाएं भी कपड़े बाएं भी कपड़े झोले में भी कपड़े। अब हम लेके आए रोहू फिश, अम्बानी का मुठा चाने का, कोरोना साथ में कोरोना, तो आज खाना वाना बनाते, मैं उनको लेके आऊँगा खाना वाना बनाएंगे, फिर मगवन की वीडियो अपलोड करेंगे। फिश बनाने की रेसिपी तो दिखाने की जरूरत नहीं है, बट जब खाना बन जाएगा मैं एक शॉर्ट आपको एक सिनेमैटिक दिखा दूंगा कि बना क्या क्या है। अभी मुझे बहुत काम करने, बर्तन धोने, इस व्लॉग को मे बी यहीं एंड करें या काम करेंगे, काम करते हैं। तो गाइस अपडेट, मैरिनेटेड फिश जो मैंने मैरिनेट की थी, ये रहा फिश हेड का हाल जो कि ऑलमोस्ट बन गया है। आज मानी को प्रॉपर बंगाली डिश फिश जो मैं आपको दिखाता रहता हूँ वो खिलाएंगे। रहा मेरा राइस खिला खिला सा बिरयानी राइस, ये है चटनी की प्रेपरेशन, ड्राई फ्रूट्स एंड आम का पापड़ टैंगीनेस के लिए, के अंदर टमाटर हैं जो कि बॉइल्ड वाटर में रखे हुए हैं सो दैट उनकी स्किन निकल जाए और हम ग्राइंड करके चटनी बनाएं। ढेर सारा अनियन कटेगा फिश हेड के लिए, तो फिश हेड का ये रहा अनियन। फिश ग्रेवी रेडी हो रही है, ये मैं कर रहा हूँ फिश हेड, ये रहे धीरे धीरे फिश की आँखें। गाइस ये रहा टमाटर जो कि हमने स्किन पील कर दिया, थोड़ी सी स्किन बची हुई है बहुत मिंसिंग कर दी, काट दी। ग्रेवी के लिए ऑलमोस्ट
प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है 70%। अब मेरा काम किचन में, अब मैं अम्बानी के पास जाके थोड़ा बतिया लेता हूँ। अम्बानी अपने स्नैक्स एंजॉय कर रहा है। गाइस, मोस्ट अवेटेड एंड फेवरेट डिश फिश हेड रेडी हो चुका है। बचे हुए पीस जो अम्बानी से बचे हुए फ्राइड पीसेस हैं वो ये हैं। अम्बानी इनको भी खा लेता है इसलिए दिए नहीं हमने। ये रही फिश की ग्रेवी तैयार होगी। तो आप हमारे अम्बानी सर बोलेंगे बाय बाय, बोल देगा सबको। हेलो, जय हिंद।